तो इसी चीज को अब हम दूसरे अंदाज से सोचेंगे समझेंगे, यानी बु त्रा ब्याख सिचुएशन पर लिए, ठीक है ना। वो सिचुएशन जो है उस पर आप नजर रखोगे, उसको ऑब्जर्व आप करोगे, अगर आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे तो इसकी बात आप समझ पाओगे सर, ठीक है ना, इसकी बात आप समझ पाओगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास ये ऐसे ये क्यूब्स है ना, प्लास्टिक क्यूब्स है मेरे पास, ये जो प्लास्टिक क्यूब्स हैं, ये प्लास्टिक क्यूब्स मैं इस बीकर में डालूंगा, ये प्लास्टिक क्यूब्स मैं किस में डालूंगा, ये इसमें मैं डालूंगा, प्लास्टिक के क्यूब जो है ये इसमें मैं डालूंगा, डाले मैंने प्लास्टिक के क्यूब्स, ठीक, कैसे समझेगा। अब ये जो प्लास्टिक के क्यूब्स इसमें मैंने डाले, आप बीकर की ओर देखो, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर गिलास के अंदर, गिलास बीकर के अंदर क्या है, क्यूब्स, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो ये जो क्यूब्स है जो हमने इसमें डाले, क्या इनके बीच कुछ स्पेस है ना, स्पेस बीच में क्या है, स्पेस है। अगर आप यहां से भी देखोगे, यहां से भी आप देख सकते हो, देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज क्यूब्स, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बीकर है, इस बीकर में मैं डालूंगा पानी, वन त्राव आब, ठीक है ना। सो आब ये भी अह त्राव यूजिंग दिस सीरीज, ठीक, तो इसमें अब मैं डालूंगा पानी, सिंपली यूज सीरी जिसकी गारन माचिंग टू इजिली इस्तेमाल करे, ठीक है ना। अब इसमें मैं डालूंगा ऐसे पानी, ये जब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, ये पानी कहां जा रहा है, हाँ, ये पानी जो है ये कौन सी स्पेस पकड़ता है, शाबाश, यो स्पेस आई यून क्यूबन इन बिटवीन, ठीक है, गो यू अंदर यून क्यूबन दरमियान स्पेस यो आब तथ स्पेस मजन ग, ये आब स्पेस रटान कि ना, नुस नाम वन योतम क्यूब, ये पे त्रो आब, ठीक, आब ग रोजन ये हूर कॉमन सेंस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि हम जब इसमें पानी डाल रहे हैं तो वो कि आब ये हूर रोजान कहें, बल्कि आब बीकरस मान रोजान यमन क्यूबन स। तो क्वेश्चन है ये आब ये कतान वनो जवाब, हाँ, यानी कि क्यूबन दरमियान स्पेस, ठीक है ना, तुम तपरी तपरी हा आब पन जाय लगान और रोजान बिल्कुल बिल्कुल यानी उस मटीरियल ये बनो प्लास्टिक मटीरियल, ठीक, इस ये पे मटीरियल गो अत मुख्तलिफ क्यूब्स वो ये मटीरियल योतान गिलास मे बने लकटन लक क्यूब, मगर क्यूबन पान लक लक स्पेस रोजान इन बिटवीन, ये लिक्विड त्रावान लिक्विड सो जाय रटना, यही हो रहा है इस केस में भी और इस केस में। अगर हम ये वाला बीकर लेंगे, इसके अंदर है क्या पानी, इसमें है पानी या इसमें लिक्विड है, ठीक, और ये जो लिक्विड है लिक्विड इस निवान लिक्विड वाटर जो हम लेते हैं, इस वाटर ये जो वाटर है जैसे कि यहां पे ये क्यूब्स का बना हुआ होता है, ये पर याद ना क्यूब्स इधर पढ़े यूसी आब, ये जो पानी है ये भी पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, सिंपली फिलहाल उन्होंने कहीं के कंसेप्ट मॉलिक्यूल, हम बोलेंगे ये जो हमारा पानी है ये भी छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, और वो जो पार्टिकल्स है तुम तो चाहे कि इतने पड़े क्यूबन हिंदी आखिर सो, ठीक, इतना क्यूबन आखिर सी रोजान अच्छे रोजान स्पेस, बिल्कुल क्या हो जाता है, ये जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच भी स्पेस होती है, तो आब, ठीक, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल या सीरीज मत आब निवान, ठीक, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं पानी जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, उन पार्टिकल्स के बीच भी क्या है स्पेस है, हालांकि वो स्पेस हम विथ अवर नेकेड आईज नहीं देख पाते, क्या सो स्पेस लकड़, ठीक है ना, लकड़ हेकान वो कहीं बाई और नेकेड आई, यहां स्पेस इजिली हेकान वो,
But there is a space between the particles which are present in the water. As a result, जब हम इसमें sugar डालते हैं, sugar की crystal, या इसमें जब हमने ये salt डाला, ठीक, उसको हमने जब dissolve किया, वो जो salt है या वो जो sugar है, ठीक, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं. यानी कि शुगर असमोचा शुगर पार्टिकल्स निक निक, साल्ट असमोचा साल्ट पार्टिकल्स लकट लकट, ठीक है. ये अच्छी त्रावान शुगर यहां मज या साल्ट त्रावान डिजॉल्व कर पार्टिकल्स शुगर कत रोज हाँ यो जन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर तपरी तो सोई जाय रटान क्या शुगर लकट लकट पार्टिकल या यथ केसस मस आबस आब कन पार्टिकलन दरमियान उस स्पेस सोई स्पेस रटान कम कुस यम साल्ट के पार्टिकल्स एज अ रिजल्ट ये ले हम शुगर शुगर पार्टिकल्स थ्रू तिमो रट स्पेस को स्पेस रट तिमो रट सो स्पेस यस आब कन पार्टिकलन दरमियान छ तेल गसे द वाटर लेवल राइज नो देयर विल बी नो राइज ठीक दी पोटन छ न सुशन देयर नो राइज दी पोटन आब चरान स्पेस इते पोटन शुगर पार्टिकल रटान स्पेस आब बुझे पोठन साल्ट पार्टिकल रटान स्पेस कम सो स्पेस यो आब कन पार्टिकलन दरमियान आवासन सो एज अ रिजल्ट अब आप खुद ही बोलो कि क्या यहां पे आप वाटर लेवल राइज होने का कोई चांस है नो क्या यहां पे वाटर लेवल राइज होने का कोई चांस है तो इस एक्टिविटी के जरिए हमने अब क्या समझा फिर क्या हवा समझा एक्टिविटी शाबाश इस एक्टिविटी के जरिए हमने अब क्या समझा क्या हवा से समझ एक्टिविटी शाबाश क्या है हाँ शाबाश गुड ठीक या वन सह क्या एक्टिविटी पे शाबाश खोजन वाले अत क्या खोजन ये ते समझ आव तुत वन सह शाबाश बोलो कशिर पे वन ऐसे वन अंग्रेज कर या उर्दू कर वन सह क्या ते समझ शाबाश अच्छा बहुत ऐसे बाद सवाल वन सा इस शुगर पार्टिकल त्रो कस स्पेस रट शाबाश यो स्पेस अत वाटर पार्टिकल दरमियान सो स्पेस रट ठीक सो वह वनो कि हा ये एक्टिविटी एक्टिविटी पे आव ये समझ कि हा मैटर पार्टिकल आब मैटर आब अब इस्तेमाल एग्जाम्पल मतलब कस वाटर ठीक गो आव समझ कि मैटर यह बनोमुत लक लक पार्टिकल ठीक और पार्टिकल मैट्रिक ठीक इन पार्टिकल दरमियान स्पेस देर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर यही हमें समझ आया इस एक्टिविटी से और एज अ रिजल्ट इस स्पेस की होने की वजह से क्या हो जाता है जब हम साल्ट डालेंगे यहाँ पे इस पानी के अंदर या शुगर डालते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई राइज नहीं हो जाते हैं वाटर लेवल यहाँ पे भी वाटर लेवल राइज नहीं हो जाती है क्यों राइज नहीं हो जाती क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं या ये जो साल्ट के पार्टिकल ये उसी स्पेस में रहते हैं जब ये उसी स्पेस में रहते हैं जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर ठीक तो नतीजा ये निकल रहा है देयर इज नो राइज इन द वाटर लेवल में कोई भी राइज नहीं आई समझ ठीक है हो गया क्लियर ये गाँव ऐसे गोल्डिक पार्ट जिस तरह सिलेबस से समझते हो यानी कि गोल्डिक पार्ट गोल्डिक डिमोंस्ट्रेशन से तय किया है गोल्डिक प्रॉपर्टीज मैटर जो है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दे कि टू डिमोंस्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर गो ये है यानी कि हाउ के मैटर इज ऑन या सच आसान बन बस कर सकते हैं एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द इंटर पार्टिकल्स हां ओके अब तो ये समझ क्या शुक्र मैं करो दिमाग से पता हो पगह।